हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा मॉम सोनिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मकर आसना। मकर मीन्स होता है मगरमच्छ और क्रोकोडाइल, और आसना मीन्स पोज। सो मकर आसना या क्रोकोडाइल पोज हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके वैसे तो 42 वेरिएशंस हैं, बट हम एक वेरिएशन पे ही, एक जो बेसिक है उसी पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, हाउ टू डू दैट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पेट के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों को मिला के रखेंगे, टोज को फ्लैट रखेंगे, ठीक है, और अपने दोनों हाथों की कोहनियों को ऐसे, अपने दोनों एल्बोज को ऐसे मिला लेंगे, अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखना है। क्लोज योर आईज और आपको फील करना है आपकी ब्रीदिंग, या फिर ऐसे करके आप रख सकते हैं। तो आपको नेक पे अगर प्रेशर, अगर आपको ऐसा करने से नेक पे प्रेशर आ रहा है, तो फिर आप अपने कोहनियों को ऐसे थोड़ा अलग कर सकते हैं और ऐसे। सो यू ट्राई एज पर योर बॉडी, वेयर यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, वैसे ही आपको ये पोज करना है। इसमें बाकी बॉडी को आई टेल यू इन अदर वेज। ऐसे टोज को फ्लैट रखेंगे, अपने दोनों कोहनियों को ऐसे मिला लेंगे और थोड़ी को ढीला छोड़ देंगे, एकदम लूज छोड़ देंगे। सो ड्यूरिंग दिस पोज क्लोज योर आईज, फील करें कि आप कैसे आपकी सांसें चल रही हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको धीरे धीरे फील करना है कि जैसी जो आपका स्पाइन है, स्पाइन ऐसी पोजिशन में है अभी, राइट, कर्व में, तो आपको फील करना है कि वो एक इट्स लाइक अ ट्यूब, ये कैसे शीशे की एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब है, और वो उसमें हमारी सांसें ऐसे चढ़ रही हैं और उतर रही हैं, ऐसे आपको फील करना है। इस आसन में रुकने की कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप जितनी देर तक भी चाहें इसमें रुक सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली रिलैक्सिंग पोज। तो जितनी देर भी आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबली इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम इस आसना में रहते हैं तो हमारी नेक की पोजीशन ऐसे हो जाती है, राइट, तो यहाँ पे हमारी जो ट्यूब होती है, जो यहाँ से नोज से होकर जाती है, दैट इज़ विंड पाइप, और माउथ से जो कनेक्ट होकर जाती है यहाँ पे टिल आर स्टमक, फूड पाइप। तो फूड पाइप जो होती है वो खाना हमारे माउथ से स्टमक तक पहुँचाती है। जो विंड पाइप होती है वो नोज से हमारी जो सांसें हम लेते हैं, ब्रीदिंग, वो हमारे लंग्स तक पहुँचाती है। दोनों जहाँ पे सेपरेट होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कफ जमा हो जाता है, क्योंकि हम इज ऑलवेज टिल्टेड इन दिस पोजिशन, ऐसी पोजीशन में रहती है हमारी नेक ऑलवेज, या फिर ऐसे ऐसे, तो ये जो दोनों ट्यूब होती है हमेशा टिल्टेड होती है। तो इस पोजीशन में जब हम आते हैं, इस आसना को हम करते हैं, तो ये ऐसे रहती है, राइट, तो ये दोनों पाइप सीधे हो जाते हैं। तो इसके वजह से वहाँ पे जो कफ जमा हो जाता है और म्यूकस, यू कैन से, तो वो क्लीन हो जाता है और वो अपना रास्ता साफ कर लेता है। मीन्स इट क्लियर्स योर वॉइस, और ये पूरा गला आपका साफ कर देता है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट होता है, जिन लोगों को सायाटिका का इशू है, सायाटिका बेसिकली एक नर्व होती है जो हमारे लोअर बैक से होते हुए हमारे लेग्स में, फुल लेग्स में टिल टोज जाती है। तो उस वो इंजरी की वजह से कभी उसमें पेन हो जाता है, या फिर किसी और वजह से, जिसको भी ये इशू है, उनको करने से बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। जिनको फेफड़ों से संबंधित कोई भी इश्यू है या फिर एस्थमा है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दिस। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैक पेन है, लोअर अपर एंड बहुत ज़्यादा बैक पेन का इशू है, इट माइट बी सम अदर रीज़न, किसी और रीज़न से, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही ये इस पोज को कीजिए, या तो फिर इस पोज को मत कीजिए अगर आपको ये करने से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है अपने बैक में। आपका कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कॉमेंट्स एंड डू लेट मी नो, आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।